नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कलश स्थापना की पूजन विधि क्या है और विस्तार पूर्वक हम आपको कलश स्थापना करके दिखाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने नवरात्रि पूजा से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं, जिसे आप देख सकते हैं। उसमें सारी जानकारी अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक है कि हम दीपक कैसे जलाएं, भोग कैसे लें, माँ के पूजन में हमें सावधानियां क्या रखनी है और दोस्तों फलाहार में भी हम क्या खाएं, इसकी तैयारी हमें पहले से क्या करनी है, वो सारी वीडियोस है। आप डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक किया करिए, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कलश स्थापना की विधि। तो कलश स्थापना के लिए हमने सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठे कर ली हैं और आप देख सकते हैं ये जो कलश है, ये हमने यहाँ पे ये स्वस्तिक का निशान बनाया है और लोटे में हमने ये इसके गले में मौली बांधी है और इस तरफ एक तरफ हमने ये त्रिशूल बनाया है। दोस्तों, दुर्गा पूजा में जब भी कलश रखते हैं तो ये त्रिशूल बनाना चाहिए। त्रिशक्ति, माता की शक्ति हमें प्रदान होती है। ऐसी मान्यता है कि कलश में स्वस्तिक से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ त्रिशूल बनाने से माता की शक्ति हमें प्रदान होती है। तो आप इस तरह से बनाएं और ये ऊपर इसके यहाँ पे टीका कर दें और जो इसके पत्ते हैं उस पे भी हमें टीका करना होगा। तो टीका करने के लिए ये जो रोली होती है उसमें आप थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से ये एक प्रकार का टीका तैयार हो जाता है। सारे पत्तों पे हम टीका कर लेंगे। आप चाहें तो उसमें रख के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं और उसके ऊपर से हल्दी लगा देना है। ये तो हमने ये टीका कर लिया है और उसके बाद ये जो दीपक हमने यहाँ पे रखा है, दीपक के लिए भी हमने ये आसन दिया है। आप देख सकते हैं ये चावल है, उसके ऊपर हमने दीपक रख दिया है। मौली का धागा हमने इसमें लगाया है, रक्षा सूत्र का दीपक हमने बनाया है और ये हम जब तक पूजा करेंगे तभी तक मेरा दीपक प्रज्वलित रहेगा, यानी कि अखंड दीप हमने, ये अखंड दीप नहीं है। तो यहाँ पे माता के जब भी आप पूजन करें, आप पूर्व मुखी होकर पूजन करें या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपना पूजन करें। आप अपने दाहिने हाथ दीपक प्रज्वलित करें इस तरीके से और बाएं हाथ पे कलश रखना चाहिए और कलश रखते समय जो स्वस्तिक का निशान है ये अपनी तरफ रखें और जो ये त्रिशक्ति है वो माँ की तरफ रखें इस तरीके से। और कलश रखने से पहले उनको आसन देना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अष्टदल कमल। इसके लिए आप यहाँ पे चावल बिछा लें। ये हमारा अष्टदल कमल तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमें अपना कलश रखना है। तो कलश रखने से पहले आपको इस पे भी इस तरीके से टीका लगाना है, आठों दलों पे और बीच में, ठीक है। थोड़ी सी हम हल्दी छिड़क देंगे। अब हम इसके ऊपर कलश रखेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, जब भी कलश स्थापना करें तो पहले आपको कलश रखना चाहिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसमें जल भरेंगे, शुद्ध नदियों का जल, गंगा यमुना का, और ना हो तो आप शुद्ध जल भरें और कुसा डाल के उसे शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद पूजन करते समय आप स्मरण करें कि सात नदियों का जल हमारे कलश में समाहित है और वरुण देवता की कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरीके से ये हमारा कलश हमने पहले से रख दिया है, खाली कलश। अब इसके अंदर हम जल डालेंगे और सारी सामग्री डालेंगे। तो जल डालने से पहले हमें यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित हो गया, हम दीपक का पूजन करेंगे।
पूजन करने के लिए आपको बीच में एक प्लेट रखना है, जिसमें सारी चीजें जब भी आप जल अर्पें तो इसके अंदर डालें, जिससे आपका जो माता का मंदिर है वो बहुत ही साफ रहे। ये इस तरीके से अब हम अक्षत छिड़केंगे, थोड़ा सा पुष्प दीपक पूजन में, और थोड़ी सी मिश्रिका या फिर आप जो भोग लगाना चाहते हो भोग से। ये हमारा दीपक का पूजन हो गया। अब हम इस कलश में जल भरेंगे। ये हमारा शुद्ध जल है, इसमें हमने गंगा जल मिश्रित किया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सात नदियों का जल हमारे कलश में समाहित हो रहा है। और थोड़ा सा खाली ही रखें, क्योंकि इसके अंदर हमें पंचपौला और नारियल रखना है, वरना जल आपका ऊपर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये चांदी का सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ इसके अंदर आपने डाल देनी है। दोस्तों इसके अंदर आप चावल ना डालें, क्योंकि ये 8-9 दिनों तक यहाँ पे रखा रहेगा तो चावल से सड़न हो जाएगी और हमारा ये जो जल होगा वो अशुद्ध हो सकता है, यानी स्मेल आएगी। इस वजह से आप चांदी का सिक्का डालें तो उससे बहुत ही शुद्ध रहेगा और चावल की कमी भी चांदी के सिक्के से पूरी हो जाती है। और अब हम इसमें लगाएंगे ये पंचपल्लव। और ये है हमारा नारियल, इसके ऊपर हमने स्वस्तिक बनाया है दोस्तों, और ये चन्नी हमने पहना दी है और कलाई धागा से बांध दिया है, और ऊपर से एक हम टीका लगाएंगे। और नारियल रखते समय जो ये नारियल का मुख होता है, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला, और ये जो नोक वाला भाग होता है उसे नीचे रखेंगे और एक पहले तिलक लगा देंगे। के बाद अब हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो गौरी गणेश के लिए हमें एक सुपारी लेनी है, इस तरीके से, थोड़ी सी लंबी सुपारी हो तो ज्यादा अच्छा है। गणपति जी तैयार करने के लिए हमने एक सुपारी ली है, और ये है मौली सूत्र रक्षा, और हम इसको इस तरीके से पहले राउंड में लपेटेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से, यानी कि जो जितनी भी आपकी सुपारी है कवर हो जानी चाहिए रक्षा सूत्र से, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, इसको आपने कवर कर देना है। इस तरीके से ये गणपति जी तैयार हो जाएंगे। और गौरी माता बनाने के लिए, क्योंकि गणेश जी को हमेशा अकेले कभी नहीं रखा जाता है, माता लक्ष्मी, माता गौरी, उनके साथ में इनका पूजन किया जाता है। ये देखिए हमारा गणपति जी तैयार हो गए, इनको हम आसन देते हैं। तो आसन के लिए हमें एक पान के पत्ते को हमने लेना है और इस तरह से हम रखेंगे और इनके ऊपर हम गणपति जी रख देंगे। ये जो हल्दी है, हल्दी को हम थोड़ा सा पूजन के लिए निकालने के बाद इसमें पानी मिलाएंगे, यानी कि हमारा शुद्ध जल, और हम गौरी माता तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी आप डालेंगे, वैसे तो ज्यादातर गाय के गोबर से तैयार किया जाता है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को गाय का गोबर आसानी से मिल नहीं पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी दशा में आप ये हल्दी का गौरी माता बना सकते हैं। तो हल्दी आप अपने घर में पाउडर बनाएं मिक्सर में तो ज्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट में जो हल्दी पिसी होती है उसमें मिर्ची पाउडर वगैरह, मसाले और भी बहुत सारी चीजें पिसी रहती हैं, तो इसलिए से वो ठीक नहीं रहेगा। इस तरीके से आप गौरी माता का आकार तैयार कर लें। और कहते हैं कि बहुत खूबसूरत बनानी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटी बड़ी या कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। ये इस तरीके से आपको अपने अंगूठे से इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये आपकी गौरी माता हो गई और यहाँ पे गणपति जी। हम सारी चीजों को पवित्र करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थं गतः पिबो या अस्मरत पुंडरीकाक्षं सभ्यांतरः शुचिः। इस तरह मंत्र बोलकर 3 बार हम सभी चीजों पर पवित्रीकरण करेंगे। दोस्तों ये आपके हाथ में जैसे हल्दी वगैरह लग गया, कुमकुम लग गया, तो बार बार आपको हाथ नहीं धोना चाहिए, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे कपड़ा लिया था कि आप इसको इसमें अपने हाथ को साफ कर लेंगे, क्योंकि हमें माता का भोग लगाना है और भी बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो आप बार बार हाथ न धोएं। इसके बाद जो हमारा आसन बैठने वाला खुद का है उसे भी शुद्ध करेंगे, उसके ऊपर शुद्ध जल डालेंगे।
अब दोस्तों पूजा शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि आपने किस लिए पूजन करना है। तो आप हाथ में थोड़ा सा ये अक्षत, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुष्प और ये हम ये जल और कुछ दक्षिणा। इस तरीके से दाहिने हाथ में आपको इसे लेना है और बाएं हाथ से ढक देना है और आप अपने मन में संकल्प करें, माता भगवती और गणपति जी का ध्यान करें कि हे ईश्वर, आप हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि रखें, हमारे कुल वंश की बढ़ोतरी करें और ऐसे करने में आप हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हम आपका व्रत 9 दिन का करने का संकल्प लेते हैं। इस तरीके से आप संकल्प लेकर ये जो दक्षिणा है, पात्र है, आप यही गणपति जी के पास रख दें। ये आपका संकल्प है कि आज से आप 9 दिन का व्रत कलश पूजन के साथ आप माता दुर्गा की पूजन अर्चन करेंगी। संकल्प करने के बाद गणपति जी का पूजन करना है, तो सबसे पहले उन्हें हम स्नान कराएंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा अक्षत, हल्दी का टीका, रोली का टीका और गणपति जी को सिंदूर का भी टीका लगाया जाता है। तो हमने ये सिंदूरम समर्पयामि, माता गौरी को 3 बारी और गणपति जी को 2 बारी हम सिंदूर अर्पित करेंगे। इस तरीके से करने के बाद अब हम इनके ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पों से थोड़ा सा आप सजा दीजिए। ये आपने गणपति जी के प्रिय दूर्वा घास को आप समर्पित करें, दूर्वा समर्पयामि। हमने गणपति जी को सारी चीजें अर्पित करी हैं, अब उसके बाद माता दुर्गा का पूजन करेंगे। तो माता दुर्गा के लिए भी आपको सर्वप्रथम स्नान कराना है और जब भी आप पूजन करें तो सभी 9 दुर्गा का नाम प्रतिदिन आपको लेना चाहिए। तो अम्बे मात का जयकारा लगाएं, बोल अम्बे मात की जय, शैलपुत्री माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय। इस तरीके से 9 माताओं का आप जयकारा लगाएं और सभी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माँ को टीका लगाएं। सर्वप्रथम जो माँ दुर्गा शेरों पे सवार है उन्हें और बराबर से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशमुंडा, स्कंद माता, कात्यानी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री और यहाँ पे माता लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली भी विराजमान है, तो उन्हें भी हम टीका करेंगे। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि माता का जो सवारी है सिंह, आपको उनको भी पूजन करना चाहिए, उन पे भी टीका लगाना चाहिए हल्दी कुमकुम से, और सभी पे हम चावल लगाएंगे। और माँ के जो शस्त्र हैं उनका भी पूजन करना चाहिए। ये सारी चीजें ब्रह्मा जी ने माता शक्ति को प्रदान करी है और ऐसी मान्यता है कि उनका पूजन करने से, उनका वंदन करने से माँ की शक्ति और उनके जो शस्त्रों की शक्ति है ये हमें भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए हम सभी का पूजन करेंगे। हम माँ को सिंदूर लगाएंगे। माता को पुष्प चढ़ाएंगे, तो आप पुष्पों में माला भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास माला नहीं है, हम सिर्फ पुष्प से पूजन कर रहे हैं माँ की और नव दुर्गा का स्मरण करते हुए आप यहाँ पे पुष्प समर्पित करें। दोस्तों माता को श्रृंगार अति प्रिय है, इसलिए माँ के श्रृंगार में आप विधिवत उन्हें श्रृंगार कराएं। माता को पहले चुन्नी अर्पित करेंगे, इस तरीके से पहले से ही माता ने चुन्नी रखी है तो आप उनके पास इस तरीके से समर्पित करेंगे भावना बस। अब माँ को हम चूड़ी अर्पित करेंगे, अलता, महावर, जो भी आपके पास है आप इस तरीके से माँ के सामने रख के और लास्ट में हम माँ को दर्पण दिखाएंगे कि माँ कितनी सुंदर लग रही है श्रृंगार करके और उस
शीशे को आपको खुद नहीं देखना है, आप उनके पीछे रख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें माँ को अर्पित करके हम उनके पास में रख देंगे, और इस तरीके से आप पीछे भी रख सकते हैं। श्रृंगार होने के बाद अब माँ को हम विशेष अक्षत चढ़ाएंगे, जिसमें ये हमने यहाँ पे हरी मूंग ली है। दोस्तों, हरी मूंग का अक्षत माँ को अर्पित करने से माता की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए हम माँ के पूजन में प्रतिदिन आपको मूंग और ये उड़द, इसका आपने माँ को अर्पित करना है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने प्लेट रखी है कि सारी चीजें हम यहाँ पे अर्पित करते जाएंगे। ये हरी मूंग है और ये उड़द है। ये इस तरह से माँ को उड़द और मूंग अर्पित करने से हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है, और हमारे यहाँ कुल वंश की वृद्धि होती है। माँ का आशीर्वाद विशेष प्राप्त होता है। इत्र भी लगाएंगे, तो इत्र के लिए आप थोड़ा सा कॉटन ले लें, रुई उसके ये इस तरीके से उसमें इत्र को लपेट कर और यहाँ पास में भी रख सकते हैं। इस तरीके से गौरी गणेश को भी मौली अर्पित कर दें। और यज्ञोपवीत भी गणपति जी को चढ़ाना चाहिए। अभी हमारे पास यज्ञोपवीत नहीं है, तो आप ये सभी चीजें हमने सबको अर्पित करी हैं। अब हम भोग लगाएंगे, तो भोग लगाने के लिए आप एक पात्र ले लें, जिसमें गणपति जी को अलग भोग लगाएंगे हम, थोड़े से मिश्री और ये और ये वाला भोग हम माँ को लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए आप माँ के सामने 3 बारी इस तरह से अर्पित करें, तदो इयम अस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि। गणपति जी को भी भोग लगाएं, तदो इयम अस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि, यानी माँ आपकी दी हुई सभी सामग्री हैं, आपको हम आप ही की दी हुई चीजें अर्पित कर रहे हैं। इस भावना से आप 3 बारी भोग लगाएं, उसके बाद माँ का आचमन कराएं 3 बारी। अब हम माता को तांबूल चढ़ाएंगे, तो पहले हम एक सुपारी, एक हरी इलायची और ये लौंग हम गणपति जी और माता गौरी को अर्पित करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, हमने माँ के लिए यहाँ पे हरी इलायची 2 ली है और इसमें लौंग भी डाला है और सुपारी है। आप ध्यान रखें, इसमें कत्थे का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये इस तरीके से अर्पित करें और माँ को 2 लौंग आपको चढ़ानी है। जैसे कि मैंने तैयारी में बताया था, ये 2 लौंग फूल वाले लौंग है। प्रतिदिन पूजा में 2 लौंग आपको अर्पित करना है माँ के चरणों में। तो इस तरीके से तांबूल आपने अर्पित कर दिया। अब उसके बाद आप दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो दक्षिणा हम माँ के चरणों में करेंगे और ये गणपति जी को दक्षिणा अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम आचमन करेंगे। कोई भी चीज आप चढ़ाएं, उसके बाद जल अवश्य अर्पित किया करें। तो यहाँ पे हमारी ये पूजन विधि समाप्त हुई। अब हम माता को धूप दीप दिखाएंगे, प्रज्वलित हो गया। अब इसके हम शीतलीकरण करेंगे। नमः चंडिकाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस तरीके से आप माँ का आवाहन करें और माता का पूजन करें। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अर्घला स्त्रोत पाठ कर सकते हैं, यानी जिसमें आपको श्रद्धा हो, जितनी आपके पास समय हो उस तरीके से करें और मंत्रों का जप करें। तो हम यहाँ पे दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करेंगे। शब्दमनी दुर्गापतिनिवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गदुद्वारिणी दुर्गनिहंत्री। इस तरह से दुर्गा जी के 32 नामों को पाठ करके मनुष्य अपने जीवन के सभी संशय भय से मुक्त हो जाता है और माता उसकी कल्याण करती हैं। आरती करने से पहले आपको शीतलीकरण करना चाहिए। अब हम माँ की आरती करेंगे। आरती की प्लेट में आपको नीचे थोड़े से चावल और पुष्प रख लेना है आसन दीपक के लिए। और आरती शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम गणपति जी की आरती करेंगे।
क्योंकि गणपति जी को प्रथम पूज्य हैं, तो पहले दिन आपको गणपति का आराधना अवश्य करना चाहिए। तो ओम गं गणपतये नमः करके 5 बारी और गणेश जी की आरती पढ़ना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज तटी को मृग मद को जल से दो नैन चंद्र बदन नीको ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। माँ दुर्गा की आरती के बाद आपको 9 दुर्गा जो हैं शैलपुत्री माता की आरती ब्रह्मचारिणी माता की आरती इस तरीके से सबका भावना बस आरती करना चाहिए। अब हम सभी को आरती देंगे तो पहले शीतलीकरण करेंगे और प्रेम से माता को आरती देंगे। 3 बारी आपको आरती देनी है उसके बाद फिर हम शीतलीकरण करेंगे और इसकी आरती हम स्वयं लेंगे। तो लेने के लिए इस तरीके से आपको अपने मुखमंडल पर लगाना चाहिए और अपनी आंखों को टच करना चाहिए। पूजा करने के बाद हमें माता से क्षमा मांगनी चाहिए। यदि आपको क्षमा प्रार्थना मंत्र आता है तो आप मंत्र बोलें, नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हे माँ पूजा में जो कम ज्यादा भूल चूक हुई है आप हमें माफ करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्षमा के लिए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चयो न जानामि क्षमक्ष परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परपूर्ण तदस्तु मे। इस तरीके से माता से हमें क्षमा मांगना चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए माँ को। फिर हम जल घुमाएंगे और जो भोग की सामग्री है आपको दोस्तों पूजन के बाद समाप्ति के बाद हटा लेनी है। माता के सामने दीपक है, जितनी देर इसमें घी रहेगा माँ का दिया प्रज्वलित रहेगा और धूप बत्ती जलती रहेगी। अब हम अपने आसन को हटाएंगे। पूजन के बाद आसन पे आपने जल छिड़कना है 3 बारी जमीन पर और ओम इंद्राय नमः कहके हम आसन को हटा लेंगे। तो इस तरीके से आप नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा के दिन कलश पूजन विधि कर सकते हैं और माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी लिंक दी हुई है जो आप चेकआउट कर सकते हैं पूजा से संबंधित अन्य जानकारी के लिए। थैंक यू।